नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के तरफ से 12वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए मेडिकल असिस्टेंट की नई भर्ती जारी हो गई है। आज मैं आप लोगों को बता दूं, इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है। दूसरा चीज, ये जो वैकेंसी है कोई 2 साल 3 साल 4 साल की नहीं है, परमानेंट सरकारी भर्ती है। दोस्तों आज मैं इसी वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस, एज, सिलेबस, सब कुछ, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो ऐसे ही डेली नई नई सरकारी भर्ती के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती है ना, मैं पहले ही बता दिया हूं, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के तरफ से मेडिकल असिस्टेंट की आई है, यानी कि ये जो वैकेंसी है मेडिकल असिस्टेंट की जारी हो चुकी है। अगर हम इसमें अप्लाई की डेट बता दूं तो देखिए, पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन के हिसाब से 7 सितंबर 2024 से लेकर के 17 सितंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाला है। दूसरी बात, इसमें एक चीज बता दूं, योग्यता आपका 12th पास ही रखी गई है, यानी कि 12वीं आप अगर PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है आपके 12th में, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एक शानदार नौकरी होता है दोस्तों। देखिए मेडिकल असिस्टेंट का क्या काम होता है, आप लोगों को बता दूं, जब आप मेडिकल असिस्टेंट हो जाते हैं ना, तो जैसे कि INS अश्विनी है, HQ जो मेडिकल हॉस्पिटल है फोर्स का, डिफेंस सेक्टर का, वहां पे आप लोगों को जितने बहुत सारे ऐसे हैं जो या तो डॉक्टर के सहायक बना देता है, दूसरा ये होता है दोस्तों जो रीमेडिकल के जाता है ना, उनको कंडक्ट यही लोग पूरा आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए मैं जब कोस्ट गार्ड की गया था ना, तो कोस्ट गार्ड में जब मुझे रीमेडिकल मिला था तो INS अश्विनी गया था। INS अश्विनी में यही जो मेडिकल असिस्टेंट होते हैं वही लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं बता दूं फिर से, इसमें आपका एज की जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, तो एज क्राइटेरिया, अगर आपका जन्मदिन 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में है तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए। दूसरा चीज, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, आखिर इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले आप अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिए तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा दोस्तों। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद हर एक स्टेट का एक अलग कटअप होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिजिकली फिटनेस टेस्ट होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, PFT होता है। PFT बहुत आसान होता है, मापजोक होता है, और 1.6 किलोमीटर को 6.5 मिनट 7 मिनट ऐसे कुछ में निकालना रहता है, अभी नोटिफिकेशन में आगे मैं बता देगा। साथ ही साथ उठक बैठक होता है, टिप्स मरवाते हैं यानी कि पुशअप मरवाते हैं, उसके बाद एक बेंट नी कराते हैं, यानी कि जो आपको बेंट नी कराएंगे, ठीक है, 20 बेंट नी या 15 मैं नोटिफिकेशन में आगे क्लियर कर देगा, 15 नी बेंट नी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है, आप फिजिकल पास है, उसके बाद आप सभी को मेडिकल के लिए क्वालिफाई कर देते हैं। एकदम आसानी से आप लोगों को बता दूं, नेवी में अभी तक का सबसे इजी एग्जाम होने वाली है, और एक चीज बता दूं, इसमें मैथ्स पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस भर्ती में ना आप अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें भी रिटर्न एग्जाम दो, बस उसी के आधार पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनने वाली है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग, PFT, रिटर्न टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, इस प्रकार से इसका सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो है दोस्तों। अब देखिए इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका रिटर्न एग्जाम पूछा जाएगा, आप तो हिंदी में पेपर दे सकते हैं या तो आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेगा 100 ही नंबर का रहेगा दोस्तों। इसमें इंग्लिश का 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस का 25 क्वेश्चन रहेगा, बायोलॉजी का 25 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और इसी में से आपका सिलेक्शन होने वाला है, मेरिट बनने वाला है। जैसे ही आप क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप लोगों का दोस्तों रिटर्न एग्जाम का सिलेबस बता दिया, लेकिन सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, देखिए शॉर्ट लिस्टिंग, PFT, रिटर्न टेस्ट, तो पहले आपका फिजिकली फिटनेस टेस्ट यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद ही रिटर्न टेस्ट होगा, तो रिटर्न टेस्ट का तो पहले सिलेबस बता दिया। अब चलिए आप लोगों को फिजिकल टेस्ट, साथ ही साथ आपका सैलरी, ये सब बता देता हूं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं
तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपका 12th का सर्टिफिकेट, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th का आपका डेट ऑफ प्रूफ के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए 12th का, साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा सेंट्रल कास्ट का। उसके बाद आधार कार्ड दोस्तों, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक रिसेंट फोटो और सिग्नेचर, बस इतना चीज है। आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म 7 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रही है। ये तो हो गया दोस्तों बेसिक डिटेल्स। अब चलिए इसका फिजिकल टेस्ट, सैलरी, ये सब मैं आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही दिखा देता हूँ। तो ये इंडियन नेवी की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन है मेडिकल असिस्टेंट का। बाकी कुछ मैंने बोर्ड में ऑलरेडी बता दिया है। 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30/4/2007 तक आपका DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ इसका, सबसे पहले सैलरी का, ठीक है। देखिए PCB हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए इसका सैलरी का, सैलरी के बाद आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इसका दोस्तों आप फिजिकल टेस्ट का। तो सैलरी आप लोगों को 47,600 से 1,51,100 के आसपास आप लोगों को मिलने वाली है। और आप लोगों को बता दूं 5,200 पर मंथ DA वगैरह भी मिलेगा। एक शानदार मौका है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट के पास। अब आ जाता है दोस्तों इस वैकेंसी का फिजिकल टेस्ट का। तो फिजिकल टेस्ट सबसे पहले आपको बता दूं, मेल कैंडिडेट हो तो 1.6 किलोमीटर को 6.5 मिनट में निकालना है, ठीक है। उसके बाद उठक बैठक 20 बार करना है, पुशअप 15 बार करना है और बेंट नी सीटअप 15 बार करना है दोस्तों। ये तो हो गया इसका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट होने के बाद जैसे आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, आपका रिटर्न टेस्ट होगा। जैसे कि रिटर्न टेस्ट मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ दोस्तों कि 100 अंक का 100 क्वेश्चन होने वाली है। अब ये 100 क्वेश्चन में क्या रखा है, 100 क्वेश्चन में आपका आने वाला है दोस्तों साइंस का क्वेश्चन, आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन और आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का क्वेश्चन। और ये सारा का सारा 10+2 आधार यानी कि 12वीं के आधार पे आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर का। और दूसरा चीज़ ये इसमें आप लोगों को बता दूँ, 1 घंटा का टाइम मिलेगा, 1 घंटा का टाइम मिलेगा, 1 घंटा के अंतर्गत आपको इस परीक्षा को हल करना है। दूसरा चीज़ दोस्तों, इसमें अगर आप बैठते हो तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। आप या तो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं या तो आप हिंदी में इंग्लिश में दे सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्तों। अब आ जाता है दोस्तों इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो आपको joinindiannavy.government.in वेबसाइट में जाना है, ऐसे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, ठीक है। और 7 सितंबर 2024 से ऑनलाइन अप्लाई के बटन पर आपको जाना है कैरियर अपॉर्चुनिटी में। फिर वहाँ से आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, आपको फॉर्म फिल करना है, आपको फोटोग्राफ वगैरह अपडेट करना है, 10 KB से 50 KB के बीच में रहना है और 24 घंटा से मतलब 24 अप्रैल से पहले का आपका नहीं होना चाहिए, अप्रैल 2024 से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए और मस्ट ही ज़रूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में जन्म डेट वाले हैं। और दूसरा चीज, PCB इसमें मंगा गया है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप लोगों को बता दिया। किसी भी प्रकार का सवाल है तो जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप खुद इंडियन नेवी के वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी भी प्रकार का सवाल है तो पूछ लीजिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।